कुछ वेदर ऐसे भी होते हैं जो कि एबीएस को नहीं मानते, लाइक माडी रोड, और ज़्यादा स्लिपरी होने से भी ना एबीएस को नहीं मानता है ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये वीडियो जो है ना वो एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर होने वाला है। रिसेंटली जब मैं लॉन्ग राइड से घर आ रहा था, बारिश दे रहा था ना, उसके वजह से मैं शूट नहीं कर रहा था, तो ऑफ द शूट मेरा जो है ना एक्सीडेंट हो गया इस एबीएस को लेके। ये जो एबीएस ब्रेक है ना मुझे धोखा दे दिया। तो थोड़ा सा कीचड़ था वहाँ पे, मैं जैसे ही मेरा पहिया जो उठाना और मेरा बाइक स्लिप होके गिरा, मैं करीब यहाँ से वहाँ तक जाके गिरा, और ज़्यादा चोट नहीं मिला मुझे क्योंकि मेरा बाइक का जो स्पीड था ना वो नॉर्मल था, मैं भगा नहीं रहा था, और लकीली मैं बच गया। और मैं आपको गाइस प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे साथ क्या हुआ, आपको एबीएस सिस्टम क्यों ऑल सीज़न के लिए लेना नहीं चाहिए। तो गाइस आपको दिखाने के लिए ना मैंने अभी तक अपना जो ब्रेक है ना वो नहीं बनाया। मेरे पास क्या हुआ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे रुकता हूँ। चलो जैसे ही मैं गिरा ना, देखो मेरा बाइक में ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया, बस फुट ट्रैक जो है वो टेढ़ा हो गया, देखो फट गया यहाँ से। और ये देखो ब्रेक लीवर देखो अभी तक काम नहीं कर रहा है, पूरा टेढ़ा हो चुका है। देखो ऐसे ना उड़ के गिरा मैं वहाँ तक, मान लो वहाँ तक गिरा मैं उड़ के जब मैं इस ब्रेक अप्लाई किया था। देखो और यहाँ पे भी स्क्रैचेस थोड़ा बहुत आया है, और यहाँ पे भी देखो मेरा जो ब्रेक है ना वो अब अगर पकड़ते रहोगे ना ये धीरे 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 कम होते जाता है। देखो देखो प्रेशर जो है ना वो कम होते जा रहा है, देखो ब्रेक का देख रहे हो, तो रनिंग पे नहीं ये पूरा यहाँ तक टच हो जाता है। देखो ये देखो ये देखो ख़त्म, मेरा ब्रेक नहीं है, आई थिंक इसका ब्रेक ऑयल चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम में भी, माडी रोड में एबीएस जो है ना वो काम नहीं करता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और सिंगल चैनल एबीएस होने की वजह से ना बहुत फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सिंगल चैनल एबीएस होने की वजह से ना बाइक जो है वो स्कीड खाता है, उतना नहीं खाता है क्योंकि एबीएस है, लेकिन फिर भी ना स्कीड खाता है माडी रोड पे, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। फुल ब्रेक देखो, और मैं भी प्रेस करूंगा थोड़ा सा, देखो ये कम होते जा रहा है, देखो कम होते जाएगा, देखो पूरा मेरा हाथ जो है ना वो टच हो जाएगा यहाँ तक, देखो तो रीज़न यही है कि गाइस एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम को ना मेंटेन करना चाहिए, बस मेंटेन करके रखना चाहिए एबीएस को, नहीं तो ये आपको सेफ्टी नहीं देगा। एबीएस का भी अपना नखरा है, ये देखो एबीएस कुछ काम का नहीं है, ख़त्म हो गया। अगर आप इसे मेंटेन नहीं करते हो ना, मैं पंप ब्रेक करने से ये लगता है, देखो पंप ब्रेकिंग कर रहा हूँ ना तो ये टाइट हो गया, ये तो ये इसका पावर ख़त्म हो जाता है। और अभी मैं अपना ब्रेक लीवर जो है ना वो सीधा करने जाऊँगा। ओए छोटू ज़रा ये सीधा करके देना, ये वाला सीधा करके देना। हाँ टूटेगा जब थोड़ा थोड़ा, हाँ जा हाँ कितना में लिया था 163 किया टोटल 163 कब लिया था, 3 साल होने वाला है। केस शोरूम से बेसिक्स, ये डुअल डिस्क वाला है, डुअल डिस्क सिंगल चैनल एबीएस वाला है, इसका दाम ज़्यादा है। इसका बेस फोर होगा? नहीं नहीं बेसिक से, लेकिन ना इसमें एबीएस वाला है ना तो दाम इसका ज़्यादा है। आपका एबीएस है? आपका एबीएस है? पीछे ड्राम है ना, डिस्क है, डिस्क नहीं होगा, ड्राम होगा आपका, इसलिए दाम आपका कमती है। 180 एडिशन वाला है। हाँ थोड़ा और करो, थोड़ा करो डिक्स है, वो डुअल डिक्स प्लस सिंगल चैनल एबीएस है, आपका वाला सिंगल डिक्स प्लस ड्रम ब्रेक है आपका। डर मत खिला रहे आएगा, ब्रेक ही तो नहीं है, ब्रेक पेड नहीं है, ब्रेक वेल आपका कुछ लोचा है, देख ये रिलीज होता है, देख इसे मार दो तुम एक बार, ब्रेक ऑयल फेंक के फिर डाल लेंगे से ठीक होता है, थोड़ा थोड़ा लूज करने से होगा। टूट जाएगा नहीं क्या वो? नहीं नहीं टूटेगा, इसको तो आराम से मार सकता है। नहीं
हो गया अंकल। हाँ हम ब्रेक फुल होके गिर गए थे यार, बच गए। ढाला है देखना है, नया है मेरा घर काशीपुर में अंकल। हाँ तो अभी ना हमने इस बाइक में ब्रेक वेल जो है ना वो भरवाया है और इस चैम्बर को ना क्लीन किया है। ये जो मूवमेंट करते हैं ना इसके अंदर का पार्ट्स को, उसको भी वॉश कराया है। और अभी देखते हैं ब्रेकिंग गैस है, और इसको सीधा कराने में ना थोड़ा ज़्यादा पड़ा। तो अगर आप ना ABS वाले बाइक लेने जा रहे हो तो ये बात समझ लेना, ABS के एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीज़ देख लेना पहले ठीक से बराबर। अगर आप ABS वाले बाइक लेने जा रहे हो तो आप डुअल चैनल वाला बाइक ले लेना, सिंगल चैनल वाला ABS ना उतना काम नहीं करता बॉस, कहीं ना स्कीड खा जाता है रेयर टायर जो है वो। पैनिक सिचुएशन पे, कल मैं पैनिक सिचुएशन में था ना उस समय ये ब्रेक ने मुझे धोखा दे दिया, दोनों मेरा ब्रेक जो है ना वो फेल हो गया। और मैंने इस गाड़ी को गियर में रुकाने का कोशिश किया, स्पीड जो है वो रिड्यूस हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मड था, मडी होने की वजह से बाइक जो है ना वो स्किड खा गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरा सेफ गार्ड जो है वो भी बैंड हो गया था, ये तो पूरा यहाँ तक आ जाता है ख़त्म, और रेयर ब्रेक भी ख़त्म हो गया था। हाँ अभी ठीक है, ब्रेक अभी मस्त काम कर रहे हैं। अभी कैसा है ब्रेक देखते हैं, यहाँ पे और एक बार ब्रेक अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी ठीक है, लेकिन उतना भी अच्छा से काम नहीं कर रहा है जितना कि ABS को करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये, इसको ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, बाइक से भी ज़्यादा ABS को ना मेंटेन करना चाहिए, ABS जो ब्रेक है उसको मेंटेन करना चाहिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले दिन में, अगली वीडियो पे, एक नया शुरुआत और नया सीख पे। आज के लिए बस इतना ही, मैंने ये छोटा सा पॉइंट जो है ना वो ABS के बारे में बताया जो कि रियल था। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।